हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने गुरुद्वारा साहिबान की सेवा संभाल का कार्य आगे बढ़ाते हुए आज जिला कुरुक्षेत्र के 3 गुरुद्वारा साहिबान का प्रबंध संभाला। HSGMC के महासचिव गुरविंदर सिंह धमीजा, कार्यकारिणी समिति मेंबर बीबी रविंदर कौर अजराणा, जसवंत सिंह दुनिया माजरा, विनर सिंह अबाला, मोहनजीत सिंह पानीपत, साहब सिंह कैथल, गुरदीप सिंह, मलकी सिंह गोराया, अंग्रेज सिंह गोराया, गुरमीत सिंह सीवन, स्वर्ण सिंह, अमरीत सिंह, सतपाल सिंह, तजिंदर सिंह मक्कड़ व सुरेंद्र कौर की टीम पिहोवा के गुरुद्वारा साहब पातशाही 6वीं व 9वीं सरस्वती घाट पहुंचे और वहां पर प्रबंध की जानकारी लेते हुए सेवा संभाली। इसके अलावा हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टीम गुरुद्वारा दमदमा साहिब सियाना सैदा और गुरुद्वारा त्रिवेणी साहिब करा साहब की सेवा अपने हाथ में ले ली। महासचिव गुरविंदर सिंह धमीजा ने कहा कि 20 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को मान्यता दे दी थी, लेकिन SGPC द्वारा 6 माह तक हरियाणा के गुरुद्वारा साहिबान की सेवा संभाल देने के लिए कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गया। देश की सर्वोच्च अदालत में केस हारने के बाद भी SGPC ने HSGMC को कोई सहयोग नहीं दिया, जिससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। प्रदेश में सुशोभित सभी बड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान की सेवा हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी संभाल रही है और अन्य गुरुद्वारा साहिबान के प्रबंध की सेवा भी जल्द ही संभालने का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की कार्यकारिणी समिति की बैठक 12 मार्च को संस्था के महंत प्रधान महंत करमजीत सिंह की अध्यक्षता में होगी। ये फैसला संस्था के प्रमुख कार्यालय में आज वरिष्ठ उपाध्यक्ष जत्थेदार भूपेंद्र सिंह असंद व महासचिव गुरविंदर सिंह धमीजा की अगुवाई में हुई बैठक में लिया गया। इस बैठक में कार्यकारिणी समिति मेंबर बीबी रविंदर कौर अजराणा, जसवंत सिंह दुनिया माजरा, विनर सिंह, मोहनजीत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी एवं गुरुद्वारा साहिबान के मैनेजर शामिल हुए। बैठक के बाद जानकारी देते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह असंद व महासचिव गुरविंदर सिंह धमीजा ने बताया कि आज की बैठक में प्रबंध को लेकर गहन मंथन किया गया और सभी ने मिलकर कुछ एजेंडों को पास करने व आवश्यक निर्णय लेने के लिए 12 मार्च को कार्यकारिणी समिति की बैठक करने का फैसला लिया है। इस दौरान मैनेजर साहिबान से समस्याओं के बारे में भी पूछा गया। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरविंदर सिंह धमीजा, महासचिव हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने जानकारी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिनमें मुख्यतः उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारे का सेक्रेटरी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ गुरुद्वारों में संगत के लंगर के लिए राशन खरीदना पड़ता है और कुछ गुरुद्वारों में राशन अधिक मात्रा में होता है। आज हमने फूड पॉलिसी बनाई है, इसके तहत सभी गुरुद्वारों में राशन का स्टॉक चेक किया जाएगा और राशन का आदान प्रदान किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरायों को बेहतरीन बनाया जाएगा और कम दर पर किराया रखा जाएगा। हरियाणा के जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, संगतों को उसके इतिहास के बारे में नहीं पता है। ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारों में जिन गुरुओं ने चरण रखे थे, उनके लिए उनके आगमन पर्व मनाने की शुरुआत भी की जाएगी। वहीं ट्रांसपोर्ट का मैनेजमेंट भी ठीक किया जाएगा तथा सभी गुरुद्वारों की केवाईसी तैयार की जाएगी। आज साडे सत्कारयोग सकत्तर साहब धमीजा साहब नरेंद्र सिंह जी, साडे दफ्तर के पूरे हरियाणे के इंचार्ज DP सिंह जी, पूरे हरियाणे के इंचार्ज सैकटरी साहब, धर्म प्रचार के सैकटरी साहब बीबी जराणा जी, कवलजीत सिंह जी, वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। अज साढ़े इंचार्जा ने जो हरियाणे के पूरे इंचार्ज ने, जिन्होंने सारे हरियाणे की वागडोर संभालनी है, वो सारे अज असी इकट्ठे बैठे। अज पूरे मैनेजर की हरियाणे चो मीटिंग ली गई है, प्रबंध नूं किवें चलाना, किवें सुचड्डे ढंग नाल संगतां की देख रेख करनी है, आई संगत का किवें सत्कार करना है, आई संगत का किन्ना माण करना है। साडी सारयां दी वधिया सोच है, आई संगत का पूरा सत्कार करो, संगत नूं माण दिओ, लंगरां नूं वधिया करो, रहायश नूं वधिया करो, जो गुरद्वारयां दे प्रबंध ने बहुत वधिया चलन, क्योंकि अगे प्रबंधां विच बहुत कमी आउंदी सी। मैं 1996 का SGPC का मैंबर बनया, उंडिया मैं एग्जैक्टिव का मैंबर भी, 11 मैंबरी कमेटी का भी 5-6 बार मैंबर रह चुका, अज भी हाँ विरोधी धिर वालों। साढ़े जदों भी जीन दे विच तमतान साहब दे विच खेती दी खेती चलती है, उदों कंपैना वाले आउंदे सन, चाहे तूड़ी लैण वाले आउंदे सन,
तो बड़े डरते डरते गुरुद्वारे आते सन, कभी दो आ गए कभी तीन आ गए, रेट नहीं सन वध, ऐतक बहुत ज़्यादा उत्थे घट्टो घट्ट 20 बंदे तूड़ी लैन वाले आए, घट्टो घट 20-25 बंदे कंपैन की कटाई करन वाले आए, वो रेटां नूं वध्या वध्या, चलो कोई तूड़ी दे भाव ही वधे होणगे, पर वो वध्या वध्या रेट 5500 ते गया। बड़े वड्डे माण वाली गल है हरियाणा कमेटी नूं, बड़ा वड्डा होला महला मना रहे हैं लखन माजरे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सवेरे पेवा जाना होया हरणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथियों नाल, जिन्नी हुज नाल जिन्ने प्यार नाल और जिन्ने स्वागत नाल उन्होंने सद के गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल दित्ती है, मन बहुत खुश होया कि किसी किस्म का धक्का जबरदस्ती वाली तो गल दी बड़ी दूर दी सी, उन्होंने स्वागत नाल सद के सानू सेवा संभाल दित्ती है। और उस सेवा तो बाद इत्थे अज हैड ऑफिस हरियाणा सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी गुरु रामदास सरां दे विच एक हरियाणे दे सारे मैनेजरां दी मीटिंग रखी गई है, और एक बड़े डेमोक्रेटिक तरीके नाल इत्थे सैक्रेटेरिएट बनाउण दा अज जिहड़ा है वह प्लान चल रहा है कि साढ़े कोल जिहड़े एग्जिस्टिंग मुलाजम साढ़े अलग अलग गुरद्वारियां च काम कर रहे ने, उन्हां दी स्वेच्छा नाल और उन्हां दी राय नाल एक सेंट्रल जिहड़ा इत्थे अज असीं ऑफिस स्थापित करना है, उहदे च चोण करके प्रॉपर पूल बना के और फिर उन्हां दे प्रॉपर इंटरव्यू लैके मौजूदा स्टाफ दे विचों ही सैक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। इस तों इलावा राशन पूल की भी अज गल सामने आई है, कुछ गुरद्वारा सभा तो सानूं कुछ आइटम राशन की हमेशा शॉर्टेज रहिंदी जिहड़ी कि परचेज करनी पैंदी है संगत वास्ते मार्केट तों, और कुछ वाहिगुरू की मेहर नाल साडे कोलों गुरद्वारियां च राशन की कुछ एक्सेस भी होंदी है। एक राशन पूल पॉलिसी अज बनाई गई है जिदे तहत नियमित रूप नाल वीकली हर गुरद्वारा साहबान तों जिहड़ा फूड आइटम्स ने उन्हों का स्टॉक लिया जाएगा और उन्हों का आदान प्रदान या एक सांझी खरीद करके पूल की और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नूं भी तैयार किया जाएगा। इस तों इलावा मैं अज एक पानीपत तों फोन आया भी सानू एक चंदुआ साहब चाहिए है, उहदे वास्ते की प्रोसीजर है ते किदा फोन कराना पएगा। मैं फोन करन वाले नूं उहदा नाम तक भी नहीं पुछया, मैं कहा भैन जी तुसीं किसे भी अपने वीर भरा जिहड़ा भी तुहाडे इत्थे पानीपत गुरुद्वारे साहिबान तों नाडा साहब पहुँच सकदा है उत्थे पहुँचे, मैनेजर नाल साडी गल करावे और तुहानूं मनपसंद चंदुआ साहब उत्थों दे दित्ता जाएगा। उहदे वास्ते फोन पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। इस तरह हुणे तुहानूं वीर भुपिंदर जी ने दस्सिया जिहड़ी सरावां दी हालात असीं देखी है, ये वाकई ही असीं इहनूं तारीफ नहीं कर सकते। खैर जिसने बनाई है उसने बड़ी मेहनत नाल चीज़ां बनाईयां ने और बहुत श्रद्धा नाल संगत दे सहयोग नाल बनियां ने, पर समय नाल इहनां दी रेनोवेशन और इहनां दे जिहड़े मिनीमम 3-स्टार स्टैंडर्ड्स असीं अज ये फाइनल कीते ने कि जिहड़ी हरियाणे दे अंदर गुरद्वारा साहब दे अंदर सरावां संगतां वास्ते बनियां ने, जे असीं पंजाब या अमृतसर जाके 1100-1500 सरागड़ी रेस्ट हाउस दे या सरां दे दे सकने आ, ते इत्थों भी संगत जिहड़ा जायज़ उहदा खर्चा आएगा वह जरूर वहन करेगी, लेकिन इन्हां कमरियां नूं बेहतरीन जिहड़ा बनाया जाएगा। इस तों इलावा एक अज होर निर्णय लिया गया भी जिहड़े हिस्टोरिकल गुरद्वारे ने इहदा मीनिंग जिहड़े बुद्धिजीवी ने सब जाणदे ने। आम खबर नंबर हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उद्वा की रिपोर्ट।